कल का जो हमारा लास्ट जो लेक्चर था या लास्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हमने कंप्यूटर को डिस्कस किया था, कंप्यूटर के टाइप्स को डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। और इसमें हमने सॉफ्टवेयर की जो है वो टाइप्स जो है वो डिस्कस की थी। सॉफ्टवेयर में हमने देखा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को जो है हमारे कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन, कोई भी जो टास्क है परफॉर्म होता है, वो अगर तो उसमें सॉफ्टवेयर होगा तो वो टास्क परफॉर्म होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में उस टास्क को परफॉर्म करने के इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। इसकी टाइप्स हमने कल इन डिटेल देखी थी। आज हम देखेंगे हार्डवेयर का एक कॉम्पोनेंट। हार्डवेयर के 5 कॉम्पोनेंट्स है, इनपुट आउटपुट सिस्टम यूनिट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसमें से आज एक जो है डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है इनपुट डिवाइसेस। अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस यूज होती हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट देना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा देना है कंप्यूटर को, वो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट डिवाइसेस में दो तरह के मेथड होते हैं जिससे हम जो है कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड और एक डायरेक्ट मेथड, जिनका मकसद क्या होता है कि हम कंप्यूटर को किस तरह से कोई भी कमांड या डाटा है जो कंप्यूटर में किस तरह से एंटर कर रहे हैं। अच्छा, जो है जो इनडायरेक्ट डिवाइसेस होती हैं वो कुछ एक्शंस जो है वो ट्रांसलेट करती हैं ह्यूमन बॉडी के जब उसने डाटा इनटू डाटा। और जो है हमारी जैसे कि अगर हम बात करें जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, माउस है, ये हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्शन इन चीजों पे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हमारी कोई ना कोई जो है एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कीबोर्ड पे कीज को एंटर कर रहे हैं तो डाटा एंटर हो रहा है, हम जॉयस्टिक की जो लीवर है उसको मूव कर रहे हैं तो डाटा एंटर हो रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड में एक ह्यूमन बॉडी का कोई जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं होता, जो है डायरेक्टली जो है हम कोई भी चीज देते हैं कंप्यूटर को, वो उसको स्कैन करके जो है उसको इनपुट ले लेती है। जैसे हमारी जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं, ये है डायरेक्ट मेथड। जो कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ये है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इनपुट। अच्छा, हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड में कुछ कीज होती हैं, उन कीज की मदद से, ये सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है जिससे डाटा को एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर को। अच्छा, इसमें जो है हमारी जो कीबोर्ड है उसमें कुछ पैनल ऑफ कीज होती हैं, 100 to 101 कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर, जिसमें लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। इनका साइज और लेआउट डिफरेंट होता है हर कंप्यूटर का। जो मोस्ट कॉमन कीबोर्ड यूज होता है वो क्वेक्ट्री होता है। क्वेक्ट्री कीबोर्ड का मतलब ये है कि उसके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, फर्स्ट 5 or 6 लेटर्स, वो QWERTY होते हैं, इसलिए इस कीबोर्ड को क्वेक्ट्री कीबोर्ड कहा जाता है। अच्छा, अब कीबोर्ड में कीज किस तरह से डिवाइडेड होती हैं? पहली सिस्टम और GUI की होती है, इसमें एस्केप है, पॉज, ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन और विंडोज की, ये सारी सिस्टम कीज हैं। उसके बाद हमारी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में 3 रोज आती हैं, पहली रोज नंबर की, उसके बाद अल्फाबेट की रो, और जो लास्ट वाली रो है इसमें हमारे पास इसमें आते हैं हमारे नंबर्स, हमारे जो है अल्फाबेट्स और हमारे कुछ सिंबल्स जो हैं इसमें आते हैं। कोर सेक्शन होता है हमारे कीबोर्ड का। एंटर एंड एडिटिंग कीज में हमारी एंटर की, बैकस्पेस की, हमारी इंसर्ट की, हमारी डिलीट की आती है। उसके बाद जो नेविगेशन कीज है इसमें आती है टैब, एरोस कीज जो है अप डाउन वाली जो एरोस कीज है हमारे पास, उसके बाद होम एंड पेज डाउन और पेज अप, ये सारी की सारी जो होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये राइट साइड पे जो है न्यूमेरिक की पैड के ऊपर मौजूद होती है, चारों एक साइड पे राइट साइड पे बिल्कुल टॉप पे। उसके बाद लॉक कीज 3 तरह के होते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रोल लॉक आएगा यहाँ पे। और मॉडिफाइड कीज में कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट, ये सारी की सारी कीज कॉम्बिनेशन के साथ यूज होते हैं, बगैर कॉम्बिनेशन के ये कीज यूज नहीं होती। फंक्शन कीज में हमारे पास 12 कीज होती हैं, 1 से F12 तक। उसके बाद न्यूमेरिक कीज में हमारे पास न्यूमेरिक की पैड इसे कहते हैं, इसमें हमारे नंबर्स होते हैं 1 से 9 तक ऊपर, और इसके अलावा हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, इक्वल्स टू, ये सारा का सारा हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है जो बिल्कुल राइट साइड पे होता है कीबोर्ड के। दूसरी हमारे पास क्या है इनपुट डिवाइसेस की टाइप, पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जो कर्सर या पॉइंटर को बताती हैं कि उसमें जो है
ये जो हमारा की जो है लैपटॉप या कंप्यूटर्स में जो एक एरोस आता है जिसे पॉइंटर को जो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, कौन सी डिवाइसेस होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हमारे एरोस आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइसेस होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस उसको बताती हैं कि उसने किस तरह से मूव करना है, कहाँ पे मूव करना है, कब क्लिक करना है, किस तरह से जो है उसकी मूवमेंट होगी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक डिवाइसेस, इसके अलावा भी बहुत सी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। हम इन जो है पांच बेसिक पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस होता क्या है। पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को जिसके थ्रू जो यूजर है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है बाय पोजीशनिंग द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जो कर्सर या पॉइंटर स्क्रीन पे शो हो रहा था उसकी पोजीशन को हम किससे कंट्रोल करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस से कंट्रोल करते हैं। पहली मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी है, माउस। माउस एक हैंड ऑपरेटेड पॉइंटिंग डिवाइसेस भी इसे कहते हैं। जब भी हम डेस्क पे जो है इसको मूव करते हैं अपने माउस को तो हमारा जो स्क्रीन पे जो पॉइंटर है जिस साइड जिस डायरेक्शन में हम उस माउस को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा जो स्क्रीन पे जो हमारा पॉइंटर है या कर्सर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके लिए साथ हम एक फ्लैट समटाइम एक सरफेस भी यूज करते हैं, ब्लैक कलर का पैड होता है जिसके ऊपर हम माउस को मूव करवाते हैं। इसके बगैर भी माउस जो है वर्क करता है लेकिन समटाइम जो है हम वो भी यूज करते हैं। दो तरह के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस जो आजकल यूज नहीं होते, पुराने माउस थे, अगली डिजाइन है। इसमें एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता था जिससे जो कर्सर या पॉइंटर की जो मूवमेंट है वो डिटेक्ट की जाती थी। अब इस माउस में क्या होता था, इस माउस के नीचे वाली साइड पे एक बॉल मैकेनिज्म होता था, बॉल सा होता था जो रोल करता था। जिस डायरेक्शन में हम माउस को जो वो उस बॉल से डिटेक्ट होता था कि हमने माउस को किस डायरेक्शन में मूव किया है, उसी तरह हमारी स्क्रीन पे माउस का जो पॉइंटर है वो मूव करता था। वो रोलर भी जो है वो माउस के अंदर होता था, उससे क्या होता था, वो एक सेंसर होता था जो सेंस करता था हमारी माउस की डायरेक्शन को और कंप्यूटर को सिग्नल भेजता था, कंप्यूटर उसी तरह से हमारे जो स्क्रीन पे पॉइंटर है उसको मूव करवाता था। आजकल जो आ रहे हैं, आजकल जो माउस आते हैं वो है ऑप्टिकल माउस। जो ऑप्टिकल माउस है उनमें आपको अच्छे से आइडिया होगा, आजकल जो माउस है उनमें एलईडीज या लेजर लाइट्स वगैरह लगी होती हैं। वो लाइट जो है वो डिटेक्ट करती है कि हम वो सेंस करती है हमारे माउस की मूवमेंट को, हम जिस तरह से माउस को मूव करवाते हैं वो लाइट जो है वो लाइट सेंसर जो है वो उसी तरह से हमारा जो स्क्रीन पे पॉइंटर है उसको मूव करवाता है। सेकेंड जो है कुछ और पॉइंटिंग डिवाइसेस हम देखते हैं जिन्हें हम माउस का वेरिएंट्स भी कहते हैं। पहली वो है ट्रैक बॉल। ये जो ट्रैक बॉल होती है इसके ऊपर जैसे ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इसके ऊपर एक बड़ा सा बॉल होता है और इस बॉल के ऊपर हम फिंगर या थंब की मदद से जो है अपनी इसको मूव करवाते हैं। जिस तरह जिस डायरेक्शन में इसको मूव करवाते हैं हमारी स्क्रीन पे जो पॉइंटर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इस बॉल से जो है सारी मूवमेंट होती है। जो हमारे कॉमन माउस है उनके नीचे क्या होता था, या मैकेनिकल कोई बॉल होती थी या फिर लाइट सेंसर, लेकिन इसको जो है वो ये ऊपर जो रोलिंग सा बॉल बड़ा सारा लगा हुआ है इसके थ्रू इसको पॉइंटर की पोजीशन या कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, दूसरा है ट्रैक पैड। ट्रैक पैड यूज होता है हमारे लैपटॉप्स में, ठीक है। हमारे लैपटॉप्स में क्या यूज होता है, ट्रैक पैड जो माउस का रिप्लेसमेंट है इन द लैपटॉप। कंप्यूटर्स में माउस यूज होता है और लैपटॉप में क्या होता है, ट्रैक पैड जिसे हम टच पैड भी कहते हैं। ये माउस का सब्स्टिट्यूट है, ये एक स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइसेस है, स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस को क्या कहते हैं, हैंड ऑपरेटेड पॉइंटिंग डिवाइस, और ट्रैक पैड को क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस। अच्छा, इसमें ये क्या करते हैं, यूज करते हैं एक स्मॉल टच सेंसिटिव सरफेस होती है इसकी, जिसपे जो कर्सर है पॉइंटर है हमारा स्क्रीन का वो कंट्रोल किससे किया जाता है, फिंगर की मूवमेंट से। जिस तरह से हम फिंगर को मूव करवाते हैं अपने टच पैड से उसी तरह हमारा स्क्रीन पे जो कर्सर या पॉइंटर है वो उसी तरह से मूव करता है। ये 1990s में आया था, लैपटॉप में इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिन्हें
हम माउस का वेरिएंट, उनको भी हम माउस का वेरिएंट कहते हैं। उसमें से पहली पॉइंटिंग स्टिक है। ये जो पॉइंटिंग स्टिक है ये हमारे पोर्टेबल डिवाइस कंप्यूटर्स, यानी पोर्टेबल कंप्यूटर्स कौन से हैं, लैपटॉप्स। लैपटॉप्स के अंदर जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जी और एच की के दरमियान में मौजूद होता है। ये रेड से आपको नजर आ, फोर फिंगर से या फिंगर की टिप से कंट्रोल करते हैं। किस तरह से हम जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर प्रेशर देंगे उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर मूव करेगा। अगर हम राइट साइड पे इसको प्रेस करेंगे, राइट साइड को प्रेस करेंगे तो हमारे राइट साइड को पॉइंटर मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे प्रेस करेंगे लेफ्ट साइड, यानी जिस डायरेक्शन में इस पॉइंटर पे हम प्रेस करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर मूव करेगा। अच्छा, इससे भी हम जो है अपना स्क्रीन का पॉइंटर, स्क्रीन पॉइंटर या जो कर्सर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसका पर्पस ये होता है कि आपको कीबोर्ड पे आप कुछ टाइप कर रहे हो तो आप एज ए इसको माउस भी यूज कर सकते हो। आपको टच पैड या ट्रैक पैड पे को है वो जो है वो यूज नहीं करना पड़ेगा, अपनी हाथ नहीं हटाना पड़ेगा। ट्रैकिंग सिर्फ कीबोर्ड साथ ही अपना इनपुट कर रहे हो, आप कीबोर्ड पे कुछ डाटा दे रहे हो, साथ ही आप माउस के तौर पे इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक जो है वो गेमिंग में यूज होती है, गेमिंग पर्पस के लिए यूज होती है। गेमिंग इसमें एक लीवर लगा होता है, कुछ जॉयस्टिक्स में दो लीवर्स भी होते हैं जो आपने गेम्स के लिए यूज होते हैं। गेम्स में जो ऑन स्क्रीन मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है, जिस डायरेक्शन में इस लीवर को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में होगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट हमारे पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस यानी हम किसी न किसी सोर्स के थ्रू जो है डेटा को एंटर कर रहे हैं अपनी डिवाइसेस के अंदर। इस सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस ये सारी की सारी डायरेक्ट इनपुट होती हैं। डायरेक्ट इनपुट मेथड होता है, इसमें होते हैं स्कैनर्स, रीडर्स, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। पहले हम स्कैनर्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब स्कैनर्स क्या होती है? स्कैनर्स क्या, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप उनको एडिट कर सके, स्टोर कर सके, मैनिपुलेट कर सके। यानी आपकी जो प्रिंटेड फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, आप उनको क्या करते हो कंप्यूटर में सेव करवाने के लिए या उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या यूज करते हो? स्कैनर्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले फ्लैट बैक स्कैनर। फ्लैट बैक स्कैनर सबसे कॉमन आप लोगों ने देखे होंगे, प्रिंटर के वो साथ जो है वो लगे होते हैं। मोस्टली एक ग्लास की सरफेस होती है, सेपरेट भी आती है फ्लैट बैक स्कैनर। फ्लैट ग्लास की सरफेस होती है, उसके ऊपर आप कोई भी इमेज और डॉक्यूमेंट रखोगे वो स्कैन होकर सामने आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद शीट फीट स्कैनर, किस लिए? मल्टीपल शीट्स अगर आपने जो है वो, यानी पूरा का पूरा अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अगर स्कैन करवाना है तो आप कौन से स्कैनर्स यूज करते हो? शीट फेड फीट स्कैनर्स। और इसमें क्या होता है, इसका पर्पज ये होता है लार्ज अमाउंट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स है वो फास्टर अमाउंट में आप जो है फास्टर रेट में आप स्कैन करवा सकते हो यूजिंग दी स्कैनर्स। यानी आप पूरा का पूरा अपना डॉक्यूमेंट है वो इसमें फीड करवा सकते हो, फीड करवा के वो पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन होके आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। हैंड हेल्ड स्कैनर, ये पोर्टेबल स्कैनर होते हैं, यानी आप इन्हें कैरी कर सकते हो, इजीली उठा सकते हो। इसमें क्या होता है, यानी आप हैंड में इनको कैरी कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट आपका पड़ा हुआ है, आप स्कैनर को डॉक्यूमेंट के पास ले जाके डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाके उसको उसकी सरफेस पे स्कैन कर सकते हो, यानी आप इनको मूव करवा सकते हो इजिली। ड्रम स्कैनर्स क्या होते हैं? ड्रम स्कैनर पे आपका जो इमेज है वो ड्रम के ऊपर रोटेट करता है, पूरा ड्रम के ऊपर रोटेट करता है। फिर जो ड्रम स्कैनर्स हैं ये लाइट सोर्स, लाइट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस में है आपके रीडर्स। रीडर्स क्या होते हैं? ये किसी न किसी डाटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके पास जो पहला रीडर है वो है बार कोड रीडर। अच्छा, ये जो बार कोड रीडर है, बार कोड रीडर में आपके पास क्या होती है, कुछ लाइंस होती हैं व्हाइट। आपने हर प्रोडक्ट के पीछे कुछ लाइंस देखी होंगी जिन्हें हम बार कोड कहते हैं, वो व्हाइट और ब्लैक कलर की लाइंस, उनके नीचे नंबर लिखा होता है। वो जो लाइंस हैं वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है उस प्रोडक्ट की, उस आइटम की। किसी हर बुक के पीछे, हर फूड के ऊपर, हर पैकेट या टैग के ऊपर वो लाइंस होती हैं। उन लाइंस को रीड करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं? बार कोड रीडर्स। वो उन लाइंस को डीकोड करके उसको लेजर बीम टेक्नोलॉजी से उनको डीकोड करते हैं
यानी उस उन बार कोड्स में उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। बारकोड रीडर क्या करते हैं, उन्हें रीड करके उस प्रोडक्ट की सारी जो डिटेल है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो करवा देता है। MICR ये मोस्टली बैंक्स में यूज होती है। ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रेकग्नाइजेशन है। ये मैग्नेटिक इंक जो है मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो आयरन ऑक्साइड पार्टिकल से बनी होती है वो इंक। अब उस इंक को रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, MICR। ये मोस्टली चेक्स में, चेक्स या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रीड और प्रोसेस। ये जो हमारे पास जो है, हमारे पास ये जो MICR रीडर हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्या होते हैं, आपने अगर चेक्स देखे हैं, चेक्स के नीचे कुछ नंबर्स होते हैं जो डिफरेंट फॉर्मेट में लिखे होते हैं। वो जो नंबर्स होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, उनमें आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें MICR से रीड किया जाता है। जो बैंक्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, उन चेक्स, क्योंकि उन्होंने एक दिन में काफी 100 ऑफ चेक प्रोसेस करने होते हैं, वो क्या, वो सारे के सारे जो जो उनके पास चेक्स के कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आता है वो सारे के सारे MICR के नीचे से, वो MICR को यूज करके उनको स्कैन करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे चेक डिजिटलाइज हो जाते हैं, उनके कंप्यूटर्स में वो सेव हो जाते हैं। तो ये उनके लिए इजी हो जाता है, उनके चेक्स वगैरह फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेट करना, उनको एक्सपीडिएट करना उनके लिए इजी हो जाता है यूजिंग MICR। उसके बाद जो OCR टेक्नोलॉजी है, OCR टेक्नोलॉजी क्या करती है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करना है, जो आपकी बिट मैप इमेजेस होती हैं उनको या PDF इमेजेस को ASCII कोड में कन्वर्ट करना है, यानी उन्हें डिजिटलाइज करना है। आपके जितने भी इमेजेस हैं, आपकी PDF इमेजेस हैं या आपकी दूसरी टाइप की इमेजेस हैं, उनको क्या करना है, डिजिटलाइज करना है। वो क्या करेगा, अगर स्कैनर ने कोई BMI इमेज क्रिएट की है तो OCR सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट करके ASCII टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आप उन टेक्स्ट को बाद में एडिट कर सको, इंटरप्रेट कर सको, उन नंबर्स को, करेक्टर्स को, जो आपने इमेज है, इमेज को एडिट कर सको, PDF को एडिट कर सको। क्योंकि उसने OCR ने उन इमेज और PDF को क्या करना है, उसको डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देना है। और उसके बाद जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये आपकी जो आंसर शीट्स वगैरह हैं उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी आपके पेन और पेंसिल से जो आपने मार्क्स लगाए होते हैं अपनी बबल शीट के ऊपर, उनको रीड करने के लिए, उनको जो है उन रिस्पॉन्सेज को रीड करने के लिए क्या यूज करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो आपके जितने भी रीडर्स हैं, सारे के सारे रीडर्स जो हैं वो लाइट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आपकी स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए, उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। जो आपकी बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेज हैं, ये डिवाइसेज क्या करती हैं, आपका जो बायोमेट्रिक डाटा है फॉर द ऑथेंटिकेशन, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, उनको प्रोसेस करता है, उन्हें एनालाइज करता है, उनको कैप्चर करता है। जो बायोमेट्रिक डाटा में क्या आ जाता है, आपकी जितनी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी क्या है, आपकी बायोमेट्रिक डाटा, उनको रीड करने के लिए क्या यूज की जाती है, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेज, जैसे कि आपकी आईज हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, इनको किसके थ्रू रीड किया जाता है, ये सारे आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेज से रीड किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो है, आपके RFID रीडर्स हैं। RFID रीडर्स हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये अच्छा, ये जो है RFID टैग्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इसमें रेडियो वेव टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। पिछले जितने भी रीडर्स थे उसमें क्या थी, लाइट टेक्नोलॉजी थी, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी थी, लेकिन जो RFID रीडर है ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, रेडियो वेव यूज करता है। जो टैग्स हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसको रीड करने के लिए। अच्छा, अब ये टैग्स किस तरह से होते हैं, टैग्स जो है वो एंटीना और माइक्रोचिप्स के बने होते हैं, जिन पे डाटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर होती है। ये मोस्टली टैग एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए हॉस्पिटल्स में चिप्स होती हैं, इन पे जिन पे डाटा स्टोर होता है, ये हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, मेडिकल में बहुत ज्यादा इनका यूज होता है। इसके अलावा ये जो है एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ऑडियो इनपुट डिवाइसेज हैं। जो आपकी ऑडियो इनपुट डिवाइसेज हैं, इस काफी ऑडियो इनपुट डिवाइसेज हम दो को डिस्कस करते हैं, एक माइक्रोफोन्स हैं, दूसरे MIDI कंट्रोलर्स हैं। जो माइक्रोफोन्स हैं वो क्या करती हैं, आपके साउंड वेव्स को कैप्चर करती हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं, दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर।
अच्छा, यानी आप जो डाटा, आप क्योंकि आप जो बोलते हो वो कौन सी वेव जनरेट करता है, वो साउंड वेव जनरेट करता है, वो जब जब माइक्रोफोन में जाती है, माइक्रोफोन उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके। कि काफी टाइप की आपकी माइक्रोफोन होती है, कॉन्डेंसर माइक्रोफोन, डायनेमिक माइक्रोफोन, यूएसबी माइक्रोफोन। तो नेक्स्ट आपके आपके MIDI कंट्रोलर्स है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये कंट्रोलर्स यूज होते हैं, ये बेसिकली जो आपकी म्यूजिकल डाटा है उसको इनपुट करने के लिए यूज होते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह इनको यूज करती हैं, या म्यूजिक प्रोडक्शन में डाटा को इनपुट करने के लिए यूज होती है, म्यूजिक डाटा को इनपुट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आपके पास है वीडियो इनपुट डिवाइसेस, इसमें वेब कैम्स है, डिजिटल कैमरा है। वेब कैम्स जो है वो जो वेब कैम्स हैं ये बिल्ट इन होते हैं आपके लैपटॉप्स के हैं उनके अंदर, लैपटॉप्स के अंदर जो है वो कैमराज होते हैं, हम वेब कैमराज कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो डाटा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह आपके डिजिटल कैमराज है, इससे आप इमेज डाटा और वीडियो डाटा दोनों दे सकते हैं। ये आपकी वीडियो, ये भी वीडियो इनपुट डिवाइसेज हैं, वीडियो डाटा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये आपकी वीडियो इनपुट डिवाइसेज थी, ये सारी। इसके अलावा भी बहुत सी आपके पास इनपुट डिवाइसेज हैं, लेकिन जो मेन इनपुट डिवाइसेज वो हमने आज डिस्कस कर ली हैं, जो है ये आपकी नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेज डिस्कस करेंगे।